हाय गाइस, तो कैसे आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट एनएलयू ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई, हम काफी टाइम बाद वापस आ चुके हैं। तो हाँ, बहुत टाइम हो गया है। तो भाई, हुआ क्या था कि हमारे कॉलेज ने ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन एग्जाम्स ले लिए हैं, तो उसके चक्कर में ज्यादा थोड़ी तैयारी करनी पड़ी हमें, और मैक्सिमम तो ऑफ द एग्जाम्स ठीक भी गए। बट खैर, उस एग्जाम की बात नहीं करते हैं अब, तुम्हारे एग्जाम की बात करते हैं अब। तो भाई, जब ये वीडियो डलेगी उसके अगले दिन से एग्जैक्ट .30 डेज बचेंगे क्लैट के लिए, ठीक है? तो भाई, 30 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तुम्हारी? तुमने भाई साल भर दे दिया क्लैट की प्रिपरेशन को, बट तुम लास्ट के 30 डेज में क्या ऐसा करो कि भाई तुम्हारा जो क्लैट का एग्जाम है वो एट द एंड ऑफ द डे काफी अच्छा जाए, एंड यू गेट टू योर ड्रीम एनएलयू। ठीक है, यहाँ पे एलेट और एमएससीईटी भी लिखा है, बट उसमें एग्जैक्ट 30 डेज नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पे ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। तो इसलिए ये इन तीनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये तुम्हारी स्ट्रेटेजिक वीडियो है, ठीक है? आई नो काफी दिन बाद आ रहा हूँ, बट आपसे आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव। और अगर भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर करना, ठीक है? तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो, ठीक है? चलो अब भाई आ जाते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा मॉक टेस्ट, ठीक है? तो अब मॉक टेस्ट में हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देते जाए। हम एक दिन में 3-4 मॉक्स दे रहे हैं क्योंकि भाई क्लैट तो जल्दी आ रहा है अब, तो भाई ऐसा नहीं करना है। तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है। पुराने सारे तुमने 1 साल दे दिया भाई क्लैट को, क्लैट की प्रिपरेशन को, तुमने 1 साल में बहुत मॉक्स दिए होंगे। उन सारे मॉक्स के जो तुम दे के आते हो, जब रिजल्ट आता है तो तुम उसको एनालाइज करते हो बैठ के, तो उसको एक नोटबुक में लिखते होगे ऑब्वियसली। तुम्हें बस वो चीज रिवाइज करनी है, ठीक है? तुम्हें सारे पुराने मॉक्स रिवाइज करने हैं, सारे पुराने मॉक्स तुम्हें अच्छे से एनालाइज करने हैं कि भाई तुम्हारे कौन से मॉक में, वो कौन से टाइम का मॉक था जिसमें तुम्हारे इस सेक्शन में कम मार्क्स थे। तो तुम अगर आज उस मॉक को दोबारा देते हो तो क्या तुम उस सेक्शन में इम्प्रूव कर पाओगे कि नहीं, ठीक है? बेसिकली तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्लैट भाई, क्लैट में कुछ भी आ सकता है। तुम्हारे पुराने मॉक से अगर एक पैराग्राफ आ जाए करंट अफेयर्स का या जीके का, उसमें से कोई भी एक चीज आ जाए, तो भाई तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया होता तो आज मेरे ये 5-6 नंबर मेरे कन्फर्म होते, ठीक है? और अगर तुम आगे मॉक्स देना भी चाहते हो तो 3, 3 मैक्सिमम 4, 4 से ज्यादा मॉक्स एक हफ्ते में मत देना प्लीज, क्योंकि भाई उसको देने में भी टाइम लगता है, प्लस उसको एनालाइज करने में उससे डबल टाइम लगता है। अगर तुम अच्छे से प्रोवाइड, तुम अच्छे से एनालाइज कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो मेरी मानो तो 3 या 4 मॉक्स एक हफ्ते में देना, उससे ज्यादा मॉक्स को टाइम मत देना। पुराने सारे जितने भी मॉक्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके जाना, ठीक है? तो भाई अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई हमारे पास इतना कम टाइम है और हमारे पास इतना सारा है, सब कुछ है प्रिपेयर करने को, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई? सबसे पहली बात, अगर जहां भी तुम्हें सिलेबस ज्यादा लगे ना, तो उस चीज को तुम अचीव तभी कर सकते हो जब तुम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो, ठीक है? ये प्लानिंग वाला काम मैं आज भी करता हूँ अपने कॉलेज में, ठीक है? मैं तब भी करता था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है? तो मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि भाई प्लान करके चलो, तो तुम्हारे काम इजी इजी और कम टास्क में डिवाइड हो जाते हैं, फिर जब उसको तुम कंप्लीट करते हो तो अंदर से अच्छा भी लगता है, ठीक है? तो भाई सबसे पहले तो अब तुम्हें प्लान कैसे करना है? तो भाई तुम्हें प्लान करना है, जब तुम रात को सोने जा रहे हो, 15 मिनट, 10-15 मिनट लगेंगे इससे, 10-15 मिनट भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, बट 10-15 मिनट लगेंगे, उससे कम में तुम्हारा अगले दिन का प्रॉपर प्लान बन जाएगा, ठीक है? कि भाई ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मुझे इतना इतना टाइम देना है, मुझे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है? इंग्लिश मेरी बहुत वीक है। तो अब तुम ऐसे में क्या करोगे कि तुम इंग्लिश को उस पर्टिकुलर दिन में, तुम मान लो 8-10 घंटे पढ़ते हो, तो तुम 30-40% टाइम इंग्लिश पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? इंग्लिश अपनी ठीक करोगे, इंग्लिश पे अपनी प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश की चीजें के वर्कबुक सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आरसीस पढ़ोगे, ठीक है? तो इस हिसाब से तुम्हें अपना दिन प्लान करना है। तुम्हारा करंट अफेयर्स एकदम वेल प्रिपेयर्ड, तुम करंट अफेयर्स को less than 20% टाइम दो अपने दिन का, ठीक है? जिस चीज में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना, ठीक है? और उसी रात को प्रिपेयर करके सोना है, क्योंकि अगले दिन तुम उठ के प्रिपेयर करोगे तो भाई उसमें बहुत टाइम जाएगा। अगले दिन तुम आधी नींद में, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई रात को सोने से पहले 10 मिनट
निकाल के अपना दिन प्लान करो और अगले वाले दिन को इस पूरे प्लान को फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। और यही सेम चीज जो हमने पहले बात करी, मॉक्स को एनालाइज करना है, उनके नोट्स भी बनाने हैं। तुम आगे जाके जैसे मॉक्स देते हो, 30 दिनों में मान लो तुमने 15 या 20 मॉक्स दिए, उन सबके तुम्हें नोट्स बनाते बनाते चलना है, ठीक है, ताकि लास्ट 2-3 दिन में तुम सबको एक बार पढ़ सको, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। चलो अब भाई जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसकी हमने पहले ही जस्ट लास्ट स्लाइड में इसकी बात करी, सेक्शनल वोट की। तो भाई तुम्हारा लीगल का जो सेक्शन है तुम्हें उससे बहुत डर लगता है, ठीक है। तुम उसको सबसे ज्यादा तुम अपना टाइम दोगे, ठीक है, 30-40% अपना टाइम दोगे दिन का। बात हम पहले कर चुके हैं तो इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। और हमेशा प्रैक्टिस को ज्यादा ऊपर रखना है इंस्टेड ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग का टाइम भाई मैं तुम्हें सीरियसली ऑनेस्टली बताऊं तो लर्निंग का टाइम चला गया है, ठीक है। जो भी बंदा अगर अभी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करता है कि 30 दिन में भाई हमें क्लैट निकालना है, उसके लिए भी सबसे ज्यादा मेन चीज होती है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुम बेसिक्स बेसिक्स लर्न कर लोगे विद प्रैक्टिस, ठीक है, बट तुम एकदम डिटेल में जाके पढ़ोगे तो भाई उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये उन लोगों के लिए भी है जो भाई एक एक साल से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें सारे बेसिक्स क्लियर है तुम्हारे, तुम्हें बिल्कुल अंदर डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम वो सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे जो भाई तुम पिछले 1 साल में पढ़ चुके हो अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर्स के टेस्ट दोगे, जीके टुडे पे, जागरण जोश पे सारे अच्छे से टेस्ट आते हैं, वीकली टेस्ट आते हैं, वो देते रहो फ्री टाइम में। उसके अलावा तुम जो भी कहाँ कहीं भी जाते हो ऑनलाइन इतना सारा फ्री मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश का, लीगल का, मैथ्स का, ठीक है, उसको निकाल लो अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, ठीक है। तो ऐसे हमेशा गिव प्रैक्टिस मोर प्रेफरेंस देन लर्न, ठीक है। ठीक है तो भाई सबसे लास्ट हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। ये शायद 5th हो गया या 4th होगा, पता नहीं, ठीक है। तो वो है तुम्हारा जीके एंड करंट अफेयर्स जो मैंने तुम्हें नवंबर से लेके आज तक पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में कुछ चीजें बता दूं, तो भाई जीके की तुम अगर बात करो तो भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूसेंट, मैंने सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि भाई मैंने अपने टाइम पे लूसेंट यूज करी थी, तुम भी लूसेंट की बुक यूज कर सकते हो, काफी अच्छी है, ठीक है। उसी में मार्क करते रहो और उसी से नोट्स बनाते रहो, वो सबसे सही बुक है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और उसके जितने भी तुमने नोट्स बनाए हैं तुम्हें वो रिवाइज करते जाना है, ठीक है। और अपने दिन में जो तुम प्लान बनाओगे ना, जो मैंने पहले बताया, उसमें सबसे स्टार्टिंग में रखना जीके को, क्योंकि भाई तुम सुबह सुबह उठते हो तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तुम्हें जीके जल्दी घुसेगा दिमाग में, और तुम्हें जीके याद, मतलब तुम्हें जीके रटना नहीं है, तुम्हें बस ऐसे पढ़ना है कि भाई 4 ऑप्शन दिखे और तुम्हें याद आ जाए, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना सुबह ही बेस्ट होता है, ठीक है। मैं भी सुबह पढ़ता था और तुम्हें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई सुबह सुबह पढ़ो, ठीक है। और करंट अफेयर्स के तो जो भाई एकदम बाइबल में लिखी है ये चीज, जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसको तब मैं बोलता था कि भाई रोज पढ़ना है, और अब तो खैर जब 30 दिन में क्लैट है तो तुम्हें तो रोज पढ़ना ही है, ठीक है। तो भाई ये 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है अपनी लास्ट 30 डेज की प्रेप में, ठीक है। इसको तुम अगर सारे बॉक्सेस टिक कर लेते हो तो तुम्हारी और तुम्हारा क्लैट का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। चल चलो भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, सबका भला होना चाहिए इसमें, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, एग्जाम के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना भाई, उसमें भी मैंने काफी चीजें कल भी पूछी थी कि तुम्हें किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसमें से एक ये वाला टॉपिक बहुत लोगों ने बोला था कि भाई लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पे वीडियो बना दी है, अब आगे आई विल वर्क ऑन इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है, और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो भी हुई है ना, ठीक है, पिछले 1 साल में जो इम्पोर्टेंट है काफी, जो आ सकता है, ठीक है, उस पे आई विल वर्क और उसकी वीडियो जल्दी पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।